दोस्तों हमने यहाँ ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि कहाँ पर निकलते हैं, कहीं जाते हैं। मोबाइल को यहाँ से रखेंगे ताकि कोई हमें ज़्यादा जिस तरह नहीं करेगा, और इसको बहुत ध्यान से दोस्तों ब्लॉग को बनाएंगे, और ये ब्लॉग बनेगा दोस्तों वहाँ तक क्योंकि आगे आपको पता है रोड खराब है, दूसरी साइड है आपको वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं जब गया था दोस्तों तो दूसरी साइड से गया था, और अगर मैं ऐसी मरतबा आपको दोनों साइड की वीडियो दिखा देता तो फिर रोमांच जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये ब्लॉग दोस्तों बनाए जाते हैं थोड़े से आराम से। ये रास्ता भी आप देखने जा रहे हैं, गुजर रहे हैं दोस्तों के से रास्ता, काफ़ी पुराना रास्ता है दोस्तों। इस रास्ते से अगर आप चलते हैं तो आपको ट्रैफिक का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। कारें वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह आते हैं दोस्तों यहाँ पर, हालांकि अगर कोई कोठी बन रही है तो गाड़ी वगैरह आ जाएगी, और कुछ नहीं है फिलहाल यहाँ पर। कोई गाड़ी आ गई है कहा तो उसमें कोई ट्रैफिक नहीं हो जाती दोस्तों, क्योंकि रोड से अगर हम आते हैं तो ब्लॉग नहीं हम ऐसे बना सकते हाथों से फोन लेकर के, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों वहाँ पर, क्योंकि राइट और रॉन्ग ट्रैफिक चलती है वहाँ पर। इस रास्ते में दोस्तों आप गौर से देख लें, और ये साइड के जो घर हैं वो भी आप लोग देख लें। और इस रास्ते के अंदर दोस्तों एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होने के कारण इस रास्ते से आप बड़ी आसानी से दोस्तों निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली आपको बात यहाँ पर नहीं होने वाली। और अपना परना भी दोस्तों हम ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों इसका बच्चा लगता है मुझे, ये बछड़ा है इसका, देखिए दोस्तों यहाँ से हम आराम से चलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस साइड की हम दोस्तों आपको वीडियो दिखाते हुए चलेंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हालांकि आगे मोड़ है। यहाँ पर ये जो लोग फसर के चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत है, फसर कर नहीं चलना चाहिए इतना। साइड से चलना चाहिए, सारे रास्ते को मल रखा है जगह नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी, जगह दोस्तों छोड़नी चाहिए, जगह ज़रूरी है छोड़नी, बहुत ऐसे नहीं बनती बात। ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग ऐसे नहीं बनते आसानी से, बहुत ही मुश्किलें हो जा रहा है यहाँ पर, साफ सफाई का काम दोस्तों भी हो जा रहा है, और इस तरफ जो है बच्चे निकल रहे हैं दोस्तों, बच्चों से मुझे बहुत बच करके ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। ये रास्ता दूसरी साइड निकल गया दोस्तों, ये जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको हरियाली दिखाते हुए चलता हूँ दोस्तों। क्योंकि इस साइड जो है हमारे किसान भाइयों ने जो है दोस्तों धान लगाई हुई देखी, और उस साइड में वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि धान नहीं थी यहाँ पर। धान देखिए दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से धान लगाई हुई है दोस्तों, और इसी धान की वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलेगी दोस्तों देखने के लिए। यहाँ पर जो है कुछ कबाड़ भी है दोस्तों, और ये रोड तो आपने देखा ही होगा पहले भी, और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इस रोड का जो है बहुत ही बुरा हाल है, और मेरा भी यहाँ पर तंग हाल है दोस्तों। इस रोड के ऊपर चलना आसान नहीं है, और यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ी बैकों में बनेगी दोस्तों, क्योंकि रोड जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल, और इतना ज़्यादा खस्ता हाल है कि मैं शब्दों में दोस्तों बयान नहीं कर सकता सबको, और मैं हाथों में मोबाइल इसलिए पकड़ा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ से साइकिल फिसल ना जाए, अभी मैं भी धड़ाम से गिरूँ मोबाइल भी गिरे और उल्टा नुकसान यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चलने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, और आगे शायद मुझे उतरना ही पड़ जाए।
क्योंकि यहाँ पर और भी गाड़ियाँ आ रही हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, साइकिल जो है स्लिप कर सकता है यहाँ पर। और कच्चा रास्ता जरूर है दोस्तों, लेकिन ये पत्थर जो हैं बिखरे हुए हैं, इनके ऊपर से अगर साइकिल स्लिप कर गया तो दोस्तों आसान नहीं होगा संभालना मेरे लिए। और आप लोग कहेंगे क्या कर रहा है भाई। ये देखिए दोस्तों, हमारे किसान भाइयों द्वारा लगाई गई धान जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मनलुभावनी है, काफ़ी सुहावनी है और काफ़ी अच्छी और खूबसूरत दिखाई दे रही है दोस्तों। ये धान हमारे किसान भाइयों द्वारा जो लगाई गई है, तो थोड़ा मैं रुक जाता हूँ दोस्तों और रुक करके इस ब्लॉग को बनाता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा आपको तसल्ली हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये धान जो है काफ़ी प्यारी और काफ़ी न्यारी, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी तरह से लगाई गई है दोस्तों। हमारे किसान भाइयों की मेहनत है दोस्तों, जी तोड़ मेहनत का फल है हमारे किसान भाइयों की। और हमारे किसान भाई आपको पता ही है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत यहाँ पर करते हैं, तभी हमारे लिए फसलें उगाते हैं और हमारा पेट जो है दोस्तों भरते हैं यहाँ पर। बहुत ही काबिले तारीफ़ ये धान है दोस्तों। तो इस ब्लॉग को दोस्तों मैं जारी रखूँगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर रुक जाता हूँ मैं अभी, और उसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, और मैं इस ब्लॉग को जारी रखता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ दोस्तों। और ये पुली की दूसरी साइड है दोस्तों, मैंने जाते हुए देखी आपको दिखाई दी और अब भी दिखा रहा हूँ कि ये जो पुली बनी है, इस पुली की काफ़ी सुविधा हो गई है दोस्तों। बड़ी गाड़ी आप निकाल सकते हैं, देखिए कितना चौड़ा रास्ता यहाँ पर बना दिया गया है। पहले उधर से निकलना पड़ता तो उधर से दिक्कत आती थी, लेकिन अब यहाँ आप आसानी से निकल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर शुक्रिया अदा किया जा रहा है जिस भी डिपार्टमेंट ने ये पुली बनाई है उसका। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, हरियाली काफ़ी है यहाँ पर। और किसान भाइयों द्वारा लगाई गई धान मैंने आपको पीछे दिखाई दी है, और यहाँ पर पीने की पानी की सुविधा भी है, देखिए दोस्तों पानी पी सकते हैं आप। ये सत्संग भवन है और यहाँ पर आप सत्संग सुन सकते हैं दोस्तों। शनिवार या एतवार को दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर सत्संग लगता होगा। और अब हम बढ़ चले हैं दोस्तों, ये देखिए साइड भी यहाँ पर जो सिस्टम है दोस्तों, ये थोड़ा सा कबाड़ से लहा लहल और यहाँ पर धान से लहलाती हुई फसल है दोस्तों, हमारे किसान भाइयों द्वारा जो यहाँ पर धान लगाई गई है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बहुत खूबसूरती के साथ दोस्तों दिखाता हुआ। कोशिश है मेरी कि आप लोगों को परेशानी ना हो, और थोड़ा मैं धीमे भी चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए वीडियो काफ़ी अच्छी बन रही है और कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों मुझे फ़िलहाल नहीं लग रही यहाँ पर, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले ज़रूर यहाँ पर दोस्तों थोड़ा तेज आते हैं। और यहाँ पर ये एक डिपार्टमेंट भी बना हुआ है दोस्तों, पता नहीं किस चीज़ का है। और साइड से दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है यहाँ पर, ये देखिए मेन एंट्री है इसकी, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिस्टम दोस्तों लागू किया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पर पार्क है, पार्क की दोस्तों बहुत ही यहाँ पर इज्जत की जाती है, हरियाली है, देखिए पेड़ पौधे बड़े बड़े यहाँ पर लगाए गए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर बैठ सकें, घूम सकें। ये देखिए यहाँ पर घास वाला पार्क है दोस्तों, और पेड़ पौधे भी यहाँ पर काफ़ी हैं, फूल भी हैं यहाँ पर, आप बैठ के आनंद ले सकते हैं। गुलाब वाले फूल हैं दोस्तों, और भी फूल हैं काफ़ी तरह के जो लगाए गए हैं, देखिए यहाँ पर। थोड़ा मैं धीरे चल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सफ़ेद फूलों वाला जो कोई सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हरियाली यहाँ पर, और ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिल जाएगी। यही दरख्त दोस्तों हमसे एक तरह से ज़िंदगी देते हैं दोस्तों, ये दरख्त हमें ज़िंदगी देते हैं दोस्तों, और बहुत लंबी ज़िंदगी देते हैं। तो यहाँ पर कारें आती हुई, और ट्रैफिक दोस्तों थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुबह शाम के वक्त थोड़ा दूर यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो रौनक लगती है वो सुबह शाम ही लगती है। और क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट अकेडमी भी है दोस्तों यहाँ पर,
जिसके अंदर बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और किसी दिन इस क्रिकेट अकेडमी की भी दोस्तों हम वीडियो जरूर बनाएंगे, साक्षात करेंगे वहाँ के जो मालिक हैं या ट्रेनर हैं या जो भी हैं बच्चों के साथ, ताकि YouTube पर दोस्तों वो भी मशहूर हों और हमारे साथ जुड़े रहें, हम उनके साथ जुड़े। दोस्तों यहाँ थोड़ा हमें संभल करके दोस्तों चलना पड़ेगा, और ये ब्लॉग जो है थोड़ा बहुत ही आराम तरीके से मैंने बनाया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आराम तरीके से। और यहाँ पर हम रुकते हैं दोस्तों भी, तो यहाँ हम पहुँच गए हैं बाबा जी के पास, जो चाय वाले हमारे बाबा जी हैं। ये देखिए सामने हमारे चाय वाले बाबा जी हैं। तो यहाँ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं समाप्त कर रही हूँ, आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, और साइकिल को थोड़ा मोड़ करके लगा देता हूँ, थोड़ी देर में रुकूँगा यहाँ, चाय पानी पीता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। साइकिल को थोड़ा पीछे करके लगा देते हैं, और पढ़ना तो दोस्तों शुक्र कीजिए आप परमात्मा गुरु का कि हमें मिल गया, वरना आज मुझे घर से जो है चिड़के काफ़ी पड़ने वाली थी दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ना दोस्तों पुराना बेशक सही, लेकिन ऐसे ही अपनी चीज़ें अगर हम खोते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा दोस्तों काम। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, और देखते हैं कि ये ब्लॉग कैसा बना है। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों इस ब्लॉग को देखने के लिए।